भैया पांचै। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचै मनाई जाती है। इस दिन प्रातःकाल सिर धोकर स्नान करते हैं और एक थाली में पहली रात को भीगे हुए चने, मोठ, पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर पानी भरा हुआ लोटा लेकर कीकर के पेड़ पर जाते हैं और एक टहनी पर जल चढ़ाकर हल्दी से टीका करते हैं। सबके माथे पर भी हल्दी से टीका लगाते हैं, लोटे पर भी मौली बांधकर सतिया बनाते हैं, झाड़ी की टहनी के कोटों पर मोट चने आदि बोते हैं और फिर अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले से अपने माथे व कीकर की टहनी को 7 बार छूकर कहते हैं, झाड़ झड़े मेरा बीरा बढ़े। इसके बाद कहानी कहते हैं। कहानी कहते सुनते समय हाथ में मोट और चने लेकर छीलते रहते हैं। कहानी सुनने के बाद छिले हुए मोट और चने वहीं पर चढ़ा देते हैं और फिर विनायक महाराज की कहानी भी कही जाती है। कहानी कहने सुनने के बाद पानी सूरज को देते हैं और थोड़ा सा जल बचाकर रख लेते हैं। घर के अंदर आने से पहले दरवाजे के दोनों कोरों पर जल चढ़ाकर हल्दी से सतिया बनाते हैं। घर आकर एक अलग लोटे में पानी लेकर मोट चने, फल, मिठाई, रुपए और एक थाली में रखकर बायना निकालते हैं। यह बायना अपने किसी भी बड़े जैसे सास, जिठानी या नंद को पैर छूकर देते हैं और यह पूजा बिन ब्याही लड़कियां भी करती हैं और वो अपनी छोटी बहनों को ये बायना देती हैं। एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं को तो पीहर था, 7वीं का कोई पीहर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गईं तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में टोक मारने जाना है। कुएं पर कोई एक चनी उनसे बोली, अरे तुम्हारी जिठानी क्या कर रही है? तो वे सब बोली, वह तो चरखा कात रही है। उसे क्या मालूम कि भैया पांचै क्या होती है, क्योंकि उसके तो कोई भाई ही नहीं है। ये सारी बातें एक सर्प सुन रहा था और वह उनकी बातें सुनकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा और घर में आकर उस सर्प ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी, मेरे तो कोई भाई नहीं था, तू भाई कहाँ से आ गया? भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ था, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है तो मुझे क्या करना चाहिए? तब सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा ले। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा और ना ही चावल पके। फिर पड़ोसन से पूछने गई और पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ाए। दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर उसने अपने भाई को खिलाए। जीवने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर ले जाने के लिए आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सर्प बनूंगा, तुम डरना नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बांबी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जाना। बांबी में पहुंचने के बाद भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, हमारी नंद आई है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी। 7वीं बहू यह सब कुछ देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से छोटे भाई बहनों को दूध पिलाने की जिद करने लगी तो माँ बोली, ले दूध तो पिला ले, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजा देना। उसने गलती से गर्म गर्म दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ, किसी की पूंछ और किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से में बोले, इसने हमें जलाया है, हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई है, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, इसको छोड़ दो। उसकी भाभी के लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो नंद, तुम्हें क्या चाहिए? नंद के मांगने पर भाभी ने अपना नौलखा हार नंद को दे दिया और कहा कि अगर तुम पहनोगी तो यह हार ही रहेगा और यदि कोई और पहनेगा तो यह उसके गले में सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उस बांबी की जगह
महल चौबारे बना दो। जब उन्हें वहां रहते रहते 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत सारे दास दासी, घोड़े, हाथी, धन दौलत देकर विदा किया। परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वहीं भूल आया हूँ, उसे वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने तुम्हें इतना कुछ विदाई में दिया है, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता है, कोई नई चीज़ मिल जाने पर पुरानी चीज़ नहीं छोड़ देते हैं, मैं तो अपनी पुरानी धोती ज़रूर ही लेकर आऊँगा। राजा के लड़के ने वहाँ पर जाकर देखा कि ना तो वहाँ पर कोई महल था, ना चौबारा था, और उसकी धोती कीकर के पेड़ पर लटक रही थी। वह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तानकर खड़ा हो गया कि या तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो तेरे को मार दूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन, देवरानी, जिठानी सब बोल रही थी कि मैं भैया पांचे क्या जानूं, मेरे तो कोई पीहर ही नहीं है। यह सब सर्प देवता सुन रहे थे और वही मेरे धर्म के भाई बने। आपके आने की बात सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पीहर मांगा था। घर आने के कुछ दिनों के बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी नंद भी बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो वही नौलखा हार लूँगी जो तुम अपने पीहर से लाई हो। तब बहू बोली कि तुम और कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगी, परंतु मैं वह हार नहीं दे सकती क्योंकि अगर उसे कोई और पहनेगा तो वह सर्प बन जाएगा। यह कहकर नंद बोली कि मैं लूँगी तो वही हार, नहीं तो कुछ भी नहीं लूँगी। तब बहू ने हार नंद को दे दिया। जब नंद हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन के पीहर का हार है। और ऐसा कहकर उसने अपनी नंद को अपनी पूरी आपबीती सुना डाली। इस प्रकार यह हार मुझे मिला और कैसे मैंने अपने 2.5 दिन का पीहर मांगा था। यह सब सुनकर नंद बहू से बोली कि भाभी, क्या सच में ही भैया पांचे में इतना सत है, विश्वास नहीं होता। तब राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि लगते श्रावण की पंचमी को सब कोई भैया पांचे मनाए, चने और मूठ भिगोएं और उन्हें झाड़ में पिरोएं और चने मूठ से ढोक मारकर उन्हीं का बायना निकालें। उसके बाद विनायक महाराज की कहानी भी कहें और सुनें। नाग देवता ने जिस तरीके से उनके दिन फेरे, इसी तरीके से कहानी कहता सुनता हुंकार भरता सभी के दिन फिरें। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।